ये वाला गेट लॉक है जो कि स्मार्ट गेट लॉक जिसे कहते हैं, इसके साथ ये वाला लॉक जो है वो गेट के साथ लग जाएगा, और इसके साथ ये जो इसका हिस्सा है ये गेट के बाहर नज़र आएगा। इसमें ऑप्शन ये वाला जो है ये तो कवर है, ये फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, इस पे 150 फिंगरप्रिंट ये सेव कर सकता है, और आप बाहर से मतलब फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो गेट खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर्स भी शो होंगे, आप इसको पासवर्ड भी लगा सकते हैं, और तीसरा इसका ऑप्शन कार्ड का भी है, इसके साथ कार्ड आप इसको शो करेंगे तो लॉक खुल सकता है, और चौथा ऑप्शन इसका की का है, वो आप की भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर सिलेंडर शो होगा, ये उसका कवर है। उसके बाद इसको वाईफाई के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, और वाईफाई से भी इसको मोबाइल से भी ओपन कर सकते इसको हैं। आप मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं, और ये है कि मोबाइल से डायरेक्टली नहीं होता, ये है कि यहाँ से बेल जाती है, बैंग करते हैं तो एक बेल चले जाती है आपके फ़ोन के ऊपर, जी जी अलाउ करेंगे तो वो खुल जाएगी। एक चीज़ ये है, मोबाइल से आप कहीं बाहर हैं तो आप उसको टेम्परेरी पासवर्ड भी दे सकते हैं, जो कि वन टाइम पासवर्ड भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि घर में कोई यानी नहीं आ अगर रहा मेरा है। भाई बाहर आया है, ठीक है, मुझे नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल पे वो अगर, #9 पुश करेगा ना, हाँ तो जी, आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा कि कोई आया है। आप अच्छा, उसको पासवर्ड नहीं देना चाह रहे, आप फ़ोन पे बात करते हैं, यार #9 करो, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ अलाउ लॉग कर आउट करने देता को। हूँ। अच्छा, ये और ऑप्शन भी इसमें हाँ, मौजूद और है, इसके अलावा अगर आप कहते हैं ना ठहरो मैं आपको पासवर्ड भेज रहा हूँ, भेजो, आप वहीं हाँ, पे पासवर्ड जनरेट करें, चाहे वो वन वन टाइम, टाइम उसको सेंड कर दें। और टेम्परेरी पासवर्ड भी होता है कि मेहमान आ गया है, आप उसको देना चाह रहे हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कोई पासवर्ड जी जी जनरेट करके देना चाह रहे हैं, जी जी उसी वक्त आप जनरेट करें, उसको पासवर्ड दे दें इसकी यानी ऐप से ऑपरेट ऐप होगा, से। ओके ऐप से ही ऑपरेट होगा जी, ठीक है जी।